नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आपका अपना आर कुमार। दोस्तों, लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए आज हम सामान्य विज्ञान विषय का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है पादप हार्मोन और पादप पोषण। ये दोनों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से लगातार अधीनस्थ की परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह टॉपिक हमें आसानी से याद नहीं हो पाते, जैसे दीर्घ मात्रिक तत्व कौन से होते हैं, लघु मात्रिक तत्व कौन से होते हैं। तो आज मैं आप सभी को ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि उस ट्रिक को पढ़ने के बाद पूरे जीवन भर आप चाहेंगे तो तब भी नहीं भूल पाएंगे कि प्लांट हार्मोन कौन सा होता है या प्लांट न्यूट्रिशन में आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। जी हां, इस ट्रिक को पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में इससे हेल्प ले सकते हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, हर परीक्षा में प्लांट हार्मोन पूछता है, हर परीक्षा में पौधों को आवश्यक पोषक पदार्थों से क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह टॉपिक इतना कठिन होता है कि इसको हम याद नहीं कर पाते, लेकिन मैं इसको इतने सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि पूरे जीवन भर कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं पादप हार्मोन, इसको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन। देखिए, अगर पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन की बात करें तो इनको हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं और इनको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि हार्मोन क्या होता है, पहले हम हार्मोन समझते हैं फिर हम पादप हार्मोन समझेंगे। अगर दोस्तों हम हार्मोन की बात करें तो एक बेहद चीज आप समझ लीजिए, जो हार्मोन शब्द है ये एक्चुअली में ग्रीक शब्द है। हार्मोन ये क्या शब्द है, ग्रीक शब्द है, और हार्मोन ग्रीक भाषा के हॉर्मीन से आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो हार्मोन शब्द है वो ग्रीक भाषा के हॉर्मीन से आया है। और अगर हम हार्मोन का अंग्रेजी में अर्थ देखें तो हार्मोन का अंग्रेजी में अर्थ होता है टू इस टू मुलेट, या इसका अर्थ होता है दोस्तों अंग्रेजी में एक्साइट। तो देखिए, दोनों का मतलब क्या होता है, यहां दोनों का शाब्दिक अर्थ हिंदी भाषा में किससे होता है, उत्तेजना से होता है। ध्यान देना, जो हार्मोन है ये कुछ विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, रासायनिक द्रव होते हैं, जो पौधों में या जंतुओं में उनकी जैविक क्रियाओं को बहुत तेजी से उत्तेजित कर देते हैं। अब आपके जेहन में एक प्रश्न और आया है कि सर, हार्मोन का मतलब यदि उत्तेजना होती है तो ये जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जिस प्रकार से देखिए, हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया चलते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जीवन भर वृद्धि और विकास होता है, फ्लावरिंग होती है, राइपनिंग फ्रूट होती है, यानी पौधों में वृद्धि होती है, फूल खिलते हैं, पत्तियां हरी भरी होती हैं, पौधों में अंकुरण भी होता है, इन सभी क्रियाओं को हम पौधों की जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों, पौधों की जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले रासायनिक पदार्थों को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। क्लियर, यानी कि पौधों की समस्त जैविक क्रियाओं, चाहे वृद्धि विकास हो या पत्तियों का आना हो, फल फूल का आना हो, फलों का पकना हो, जड़ों का विकास हो, इन सभी जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले, नियंत्रित करने वाले, रेगुलेट करने वाले, जनरेट करने वाले रासायनिक पदार्थों को हम पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली सात प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो इस सात प्रकार के पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, जरा इसको भी आप देख लें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर हम इन सभी पादप हार्मोनों की बात करें तो जैसे एथिलीन का नाम आपने सुना होगा, एथिलीन या जिब्रेलिन या फ्लोरो जिन, साइटोकाइनिन, अब तक सबसे अधिक प्रश्न साइटोकाइनिन से आया हुआ है, लगभग 7 बार साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल,
इसको एबीए कहते हैं, पौधों का दुश्मन होता है ये, एबसिसिक अम्ल इसको हम कहते हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा ऑक्सिन का नाम, ऑक्सिन पौधों में खोजा गया पहला हार्मोन है। आपने एक पौधे में हार्मोन सुना होगा ट्राउमैटिन, जिसको हम डॉक्टर हार्मोन कहते हैं। कुल लगभग 7 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। आज हम सभी इसी पादप हार्मोन पर चर्चा करेंगे और दोस्तों शीघ्रातिशीघ्र इसको याद कर लेंगे, ताकि कभी भी अगर यह किसी भी परीक्षा में यहां से प्रश्न आए तो हमारा प्रश्न किसी भी अवस्था में यहां से गलत ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, पादप हार्मोन को यानी इस पॉइंट्स को याद करने के लिए आपको बस एक छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है, मैं उस ट्रिक को बताऊंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ताकि जब देखिए, ट्रिक्स दो प्रकार की होती, एक ऐसी जो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बोर्ड पर, लेकिन उस ट्रिक को याद करने में आप याद नहीं कर पाते, भूल जाते हो। ऐसी ट्रिक्स जिसको व्यवहार के साथ हम जोड़ के देखें तो कभी भी याद हमको, कभी भी वह नहीं भूलती, या हमेशा वो ट्रिक्स हमें याद रहती हैं। जी हां दोस्तों, आज हम व्यवहार में जोड़ते हुए ट्रिक्स को पढ़ेंगे और इन कठिन नामों को याद करेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। देखिए, हम चलते हैं अपने थोड़े से प्राचीन भारत की ओर। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो आज से लगभग 30 साल पहले की बात कर लेते हैं, और ये बात हम करते हैं दोस्तों 1990 की। चलिए हम बात करते हैं 1990 की। तो जब 1990 के आसपास किसी व्यक्ति की शादी होती थी, तो जब बीवी आती थी तो बीवी हस्बैंड को यानी कि अपने पति को क्या कह के बुलाती थी 1990 के आसपास। देखिए, उस समय ट्रेंड उतना नया नहीं था और शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं था। तो होता दोस्तों ये था कि पहले जो औरतें आती थी, लंबा लंबा घूंघट रहता था उनका, वो अपने हस्बैंड को क्या किसी को देख ही नहीं पाती थी। तो ध्यान देना, 1990 तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो औरतें क्या करती थी, अपने हस्बैंड को बुलाती थी अपने बच्चे का नाम लेकर के, यानी जो बड़ा बच्चा था, घुरहुआ निरहुआ कतवरुआ, घुरहुआ पापा निरहुआ पापा, ऐसे बोलती थी। यानी कि जो नया नाम, यानी जो नए जो बच्चे का नाम होता था, अपने बच्चे का नाम लेकर के अपने हस्बैंड को वो संबोधित करती थी। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 साल के बाद दोस्तों, सन 2000 की बात कर लेते हैं। ये बात कर रहे हैं हम सन 2000 की। थोड़ा सा जमाना डेवलप हुआ, लोग पढ़े लिखे, जब लोग पढ़े लिखे हो गए तो अब देखिए अब क्या हुआ। अब 2000 के आसपास महिलाएं अपने हस्बैंड को क्या कहती थी, मैंने कहा ना लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लिए, जमाना आगे बढ़ गया, थोड़ा सा और रिस्पेक्ट बढ़ी। तो उस समय दोस्तों ये हुआ कि सन 2000 के आसपास महिलाएं अपने हस्बैंड को एजी कहती थी। कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी, अगर सुन लेंगे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो महिलाएं क्या करती थी, अपने हस्बैंड को एजी बुलाती थी। और देखिए जो एजी वाला शब्द है, कितना फील देता है ना, एजी एजी सुनते हैं, एजी कहां है। एक्चुअली दोस्तों एबी का मतलब, एजी का मतलब होता है ए से अबे और जी से गधे होता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि एजी का मतलब क्या है। तो एजी का मतलब क्या होता है, अबे गधे, नहीं मजाक कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ और होता है, दूसरी बात है। देखिए तो दोस्तों एजी कहती थी महिलाएं अपने हस्बैंड को। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इससे ठीक 10 साल के और बात की, 2010। अगर हम 2010 की बात करें तो जमाना और आगे बढ़ा, ट्रेंड और आगे बढ़ा। अब इस समय क्या हुआ, इस समय जब शादी होती थी तो बीवी अपने हस्बैंड का सीधे नाम लेकर के, जैसे अगर नाम किसी का सिद्धार्थ है तो उसको सिद्धार्थ, रमेश, सुरेश, राजकुमार, इस तरह से अवधेश। तो 2010 तक इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हो चुका था कि बीवी अपने हस्बैंड का नाम लेके बुलाती थी, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों इससे हम 5 साल और आगे बढ़ते हैं, 2015 में आते हैं। 2015 में क्या हुआ कि शिक्षा का स्तर और आगे बढ़ा, लोग और एडवांस हुए, पश्चिमी सभ्यता हमारे तरफ और आकर्षित हुई, हम लोग भौतिकवादी हो गए। तो हम लोग हर चीज में शॉर्टकट अपनाते हैं ना, टाइप करना होगा तो शॉर्टकट, कुछ करना होगा तो शॉर्टकट, यानी कि कुछ भी काम करना होता तो हम शॉर्टकट देखते हैं। तो बीबी भी शॉर्टकट पकड़ने लगी और वो क्या कहने लगी अपने हस्बैंड को, उसका अगर सिद्धार्थ नाम है तो केवल क्या, सिद,
राजकुमार नाम है तो क्या केवल राज, यानी कि 2015 तक इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि महिलाएं अपने हस्बैंड का केवल आधा नाम लेके बुलाती थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2020 की, 2020 की बात कर रहे हैं कि आज के समय में क्या होता है, आज के समय में महिलाएं क्या कहती हैं अपने हस्बैंड को। देखिए दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए हस्बैंड है ऑफिस गए हैं, तो जब बीवी फोन करती है तो क्या पूछती है, अले अले मेला बाबू थाना थाया ती नहीं थाया, जैसे थोड़ा सा तुलतुला के बोलती है, अले मेला बाबू मेला छोना खाना खाया कि नहीं खाया। ये आज का ट्रेंड है, ये आज की डिमांड है, तो इस तरह से लोग अपने हस्बैंड को बुलाती है, अले मेला बाबू मेला सोना मेला मुन्ना इस तरह से। लेकिन इन सब में जो सबसे अच्छा था वो दोस्तों क्या था, एजी। यानी जब महिलाएं अपने हस्बैंड को एजी कहती थी तो एजी वाला दूसरा शब्द था, उसकी फीलिंग कुछ दूसरी थी। आज हम इसी एजी की बात करते हैं। दोस्तों शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद एजी का काम होता है बाहर वाले काम करना। चूंकि हम 1990 की बात कर रहे हैं ना, तो शादी के बाद हस्बैंड का कार्य क्या होता है, बाहर के कामों पर ध्यान देना, और बीवी का काम होता है घर के काम पर ध्यान देना। तो हम बात कर रहे हैं 1990 की, जब महिलाएं अपने हस्बैंड को एजी कहती थी, है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी हस्बैंड गए हैं गेहूं पिसवाने, और गेहूं पिसवा करके घर पर जब आते हैं आटा लेकर के, तो बीबी को ये डाउट होता है कि जो आटा हस्बैंड ने लाया है पता नहीं ये आटा सही है कि नहीं सही है। तो बीबी उनसे पूछती है अपने हस्बैंड से, क्या पूछती है कि ए जी, वो पूछती है कि ए जी आटा साफ है, ठीक है ना। तो बीबी क्या पूछती है अपने हस्बैंड से कि ए जी आटा साफ है, यही पूछती है, ठीक है। अब देखिए इसको डिकोड कर सकते हैं आप। अगर दोस्तों हम बात करें ए जी की, तो पहले ए से क्या होता है, पहले ए से होता है एथिलीन, पहले ए से क्या होता है, पहले ए से होता है एथिलीन, फिर यहां पर एक और ए है और इससे क्या होता है एबिसिसिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक ए और बनेगा जिसका अर्थ क्या होता है, एबिसिसिक अम्ल, जिसको हम कहते हैं एबीए। ये एबिसिसिक अम्ल है, यह भी प्रमुख प्लांट हार्मोन है, एबिसिसिक अम्ल। अब यहां पर एक शब्द दोस्तों और है, वह है जी। अगर हम जी की बात करें तो जी से क्या हो जाता है, जिब्रेलिन। आप देख सकते हो जी से क्या हो जाता है भाई, जिब्रेलिन। तो ए जी, अब दोस्तों यहां पर आ है तो अ से क्या होता है, ऑक्सीन। तो ए जी क्या जी, आटा साफ है, हाँ जी। तो दोस्तों ध्यान देना, तो ए जी, फिर यहां पर देखिए क्या है, ट है, तो दोस्तों ट से क्या हो जाएगा, ट्राउमैटिन, ट्राउमैटिन हो जाएगा, ट्राउमैटिन। फिर देखें फो है, तो फो से क्या होगा, फ्लोरोजिन। और उसके बाद दोस्तों सॉरी सा है, सा से होता है साइटोकाइनिन, और फो से होता है फ्लोरोजिन, यहां हो जाएगा साइटोकाइनिन, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और यहां देखिए फ है, तो फ से क्या हो जाएगा, फ से हो जाएगा फ्लोरोजिन, फ से हो जाएगा फ्लोरोजिन। तो आप सभी के सामने ये सातों प्लांट हार्मोन मैंने यहां पर लिख दिए हैं, सातों प्लांट हार्मोन को आप देख सकते हो। तो एजी आटा साफ है, ठीक है दोस्तों, एजी आटा साफ है, सम्मान पूर्वक इस हार्मोन को हम लोग याद कर लेते हैं, ए से एथिलीन, ए से एबिसिसिक अम्ल, और जी से जिब्रेलिन, आ से ऑक्सिन, ट्रा से ट्राउमैटिन, और सा से साइटोकाइनिन, फो से फ्लोरोजिन। तो दोस्तों ये रहा प्लांट हार्मोन। देखिए प्लांट हार्मोन में अब हम देखिए दोस्तों क्या होता है कि प्लांट हार्मोन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये दो कैटेगरी इसकी कौन कौन सी है, अगर हम दो कैटेगरी की बात करें दोस्तों, इसकी दो कैटेगरी देखिए आप लोग, एक ऐसी कैटेगरी
जो वृद्धि को रेगुलेट करती है, वृद्धि बढ़ाती है, और एक कैटेगरी जो वृद्धि को कम करती है। तो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन ऐसे हार्मोन हैं जिनको हमने क्या किया है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। एक देखिए वृद्धि प्रवर्धक है यानी ग्रोथ रेगुलेटर है, यह वृद्धि को बढ़ाता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सॉरी यह वृद्धि को बढ़ाता है, यह ग्रोथ रेगुलेटर है जिसमें कि हम शामिल करते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को। पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और दोस्तों अगर हम बात करें एबिसिसिक अम्ल की या फिर एथिलीन की, ये दोनों क्या हैं, वृद्धि नियंत्रक हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हैं, यानी ये वृद्धि को कम कर देते हैं और ये वृद्धि को बढ़ाते हैं। बात समझ में आई? तो दो प्रकार से इनको बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के 7 हार्मोन हैं, 2 हार्मोन ऐसे हैं जो विशेष काम करते हैं, उनके बारे में चर्चाएं हम लोग अभी आगे कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पादप हार्मोन वे रासायनिक द्रव होते हैं जो पौधों की सभी जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं दो प्रकार से, एक तो रेगुलेट करते हैं उसको बढ़ाते हैं, और दोस्तों एक क्या होता है, एक इनहिबिटर के रूप में यानी कि कम करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं कि प्लांट हार्मोन कैसे कैसे वर्क करता है या इनके बारे में और सारे पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई भी एक पेड़ है, तो इस पेड़ में वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो होती हैं, उपस्थित होती हैं। जैसे अगर हम इस वृक्ष की बात करें या किसी पौधे की बात करें तो पौधे में पत्तियां होती हैं। आपको पता होगा कि किसी भी पौधे के अंदर जो उसका विकास होता है मुख्य रूप से, उसका विकास कहां से होता है, पौधे का विकास होता है उसके शीर्ष भाग से। और एक पौधे के अंदर जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, शाखाएं, ये सभी कलियां, ये सभी चीजें होती हैं, और इन सभी के विकास के लिए कुछ प्रमुख हार्मोन आवश्यक होते हैं जो कि पौधों में उपस्थित होते हैं। अगर दोस्तों हम किसी प्लांट की बात करें, चलिए कोई प्लांट मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, बना दिया है, इसके बारे में पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्लांट, और हम देखें अगर तो पौधे का जो पहला हार्मोन कौन सा दोस्तों है, वो एथिलीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, एथिलीन हार्मोन है। अगर देखिए मैं एथिलीन हार्मोन की बात करूं तो सबसे पहली बात यह है कि एथिलीन हार्मोन प्रथम हार्मोन पहला हार्मोन है एथिलीन। अगर एथिलीन की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह होती है कि इस एथिलीन का निर्माण कहां होता है। दोस्तों ध्यान देना, एथिलीन यह हार्मोन है, एथिलीन का निर्माण पौधे के सारे भाग में होता है, ऐसा नहीं कि जड़ में बनता है, पत्ती में बनता है। दोस्तों ये इसका निर्माण पौधे के सभी भागों में होता है, यह विशेष तौर पर ध्यान देना है। और एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसको हम गैस अवस्था में प्राप्त कर चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एथिलीन एकमात्र गैस अवस्था में प्राप्त हार्मोन है। और सबसे बड़ी बात, यह वृद्धि रोधक भी है, अभी आपने आगे देखा। और दोस्तों फलों को पकाने में यह प्रमुख भूमिका निभाता है, इसको हम क्या कहते हैं, राइपनिंग हार्मोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, राइपनिंग हार्मोन दोस्तों कहते हैं, क्योंकि फलों को पकाने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है, एथिलीन की होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर एथिलीन से बनने वाले पॉइंट के बारे में बातचीत करूं तो देखिए यहां पर एथिलीन के सारे पॉइंट्स लिखे मैंने। जैसे पहले पॉइंट क्या है कि खोज, कोई हार्मोन होता है उसकी खोज होती है, तो एथिलीन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, बर्ग है। और जहां तक निर्माण की बात है तो एथिलीन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भागों में होता है, और ध्यान देना एकमात्र गैस अवस्था में प्राप्त हार्मोन है। अगला पॉइंट इसका यह है कि यह फल पकाने वाला हार्मोन है, जाहिर सी बात है यह फलों को पकाता है, गैस अवस्था में होता है, और फलों को पकाने के लिए एथिलीन के अलावा आपने सुना होगा एसिटिलीन गैस के बारे में या कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, ये भी फल पकाते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन है।
दोस्तों इसकी विशेषता एक और होती है कि मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि तो करता है लेकिन नर पुष्प की संख्या को कम कर देता है और पादप वृद्धि रोधक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, यह पौधों की ग्रोथ को कम कर देता है। ध्यान रहे इसके पहले लेखपाल की क्लासेस आपको 2-3 क्लासेस मिल चुकी है, जिसमें दोस्तों पहली क्लास थी भूमि पैमाइश की, जिसमें कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी तो मैंने भूमि पैमाइश के पार्ट 2 में वो पढ़ा दिया है, उसको आप वहां देख सकते हैं। फिर भूमि पैमाइश पर एक क्वेश्चंस का वीडियो आया था, क्वेश्चन की क्लास आई थी जिसमें 15 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और उसमें दोस्तों हुआ था कि टंग स्लिप और जो है माइंड स्लिप होने के कारण मैंने रसिया की कैपिटल बोल दिया था पेरिस, लेकिन ध्यान देना जो पेरिस है वो फ्रांस की कैपिटल है और वहीं सेवरेस उपस्थित है, मापतोल विभाग का मुख्यालय फ्रांस में ही है, सेवरेस में, पेरिस में। दोस्तों हो जाता है जो है, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है और मुझे पता है कि 1-2 पॉइंट्स गलत पढ़ने के बाद आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप निश्चिंत रहें, हमने उस चीज को समझ लिया है और मैंने बहुत से लोगों को रिप्लाई भी दिया है कि हाँ भाई ये होता है। आगे से प्रयास यही रहेगा कि आपको कोई ऐसी शिकायत ना मिले और इसके दोस्तों इसके लिए आपको क्लासेस देखनी बहुत जरूरी, जब क्लास आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमने कहां पर क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। और ध्यान रहे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, मौके बहुत ही कम मिलते हैं और आपको चाहिए कि हर एक अवसर को आप अच्छी तरह से देखें और उसी अवसर में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था में बैच प्रारंभ है और अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्क्रॉल हो रहे नंबर पर संपर्क करके आप एडमिशन के बारे में आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा यहां पर एथिलीन और देखिए जो अगला हार्मोन है वो दोस्तों कौन सा है, अगला हार्मोन है एबिसिसिक। दोस्तों अगला जो प्लांट हार्मोन है वो कौन सा है, वो एबिसिसिक अम्ल है। अगर देखिए आप सभी से मैं एबिसिसिक अम्ल की बात करूं, अगर हम एबिसिसिक एसिड की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम एबीए कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एबीए कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में एबीए क्या करता है, ये पौधों का दुश्मन है। किस प्रकार से पौधों का दुश्मन है आप समझ सकते हो दोस्तों, ये ऐसा हार्मोन है, देखिए होता ही है जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होता है, रंध्र होता है, छिद्र होता है और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा पत्तियां श्वसन क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न करती हैं, लेकिन ये ऐसा हार्मोन है पौधे के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करता है रंध्रों को बंद करके। जब ये छिद्र बंद हो जाएंगे तो पौधा श्वास नहीं ले पाता है, यानी जब हमारी नाक कोई बंद कर देगा तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे, ऐसे में हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों होता यही है कि यही ऐसा हार्मोन है जो पतझड़ के समय सक्रिय रहता है, पतझड़ के समय सक्रिय रह करके वह पत्तियों के स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती और क्या होता है, पौधे सूख जाते हैं। तो ध्यान देना यही लिखा है, एबीए एबिसिसिक अम्ल प्रमुख वृद्धि रोधक हार्मोन है, पौधों का दुश्मन, पतझड़ के समय सक्रिय रहता है, यानी पत्तियां क्यों झड़ती हैं इसी हार्मोन से, ध्यान देना, एक तरफ पत्तियां गिरती रहती हैं, एक तरफ कलिकाएं निकलती रहती हैं, एक साथ पत्तियां नहीं गिरती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोककर रंध्रों को बंद कर देता है जिससे पत्तियां सड़ जाती है, पौधा सूख जाता है। कलियों की वृद्धि यानी जो बर्ड्स होती हैं उन कलियों की वृद्धि को रोक देता है और अंकुरण को रोकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीज के अंकुरण को रोकता है, यानी कि पौधे को डारमेंट स्टेज में लाता है, पौधे को दोस्तों क्या करता है, ये डारमेंट स्टेज में लाता है। ये पौधों का दुश्मन है, ठीक है ना, यही पतझड़ के समय सक्रिय रहता है। अब देखिए अब इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो आगे क्या है, आगे है आपका जिब्रेलिन। देखिए अगर जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो एबीए के विपरीत काम करता है। ये क्या करता है, एबिसिसिक अम्ल के विपरीत, ये ऐसा हार्मोन है जो एबिसिसिक अम्ल के विपरीत कार्य करता है और इसकी खोज पूछा गया एग्जाम में तो
तो खोज कौन किया है? कुरोसोवा ने इसकी खोज की है। तो कुरोसोवा साहब ने खोज की है और यह एबिसिसिक अम्ल के विपरीत कार्य करता है। जहां एबिसिसिक अम्ल ने पौधे को डोरमेंट कंडीशन में लाया था, सुसुप्तावस्था में लाया था, वहीं यह ऐसा हार्मोन है जो डोरमेंट स्टेज को तोड़कर अंकुरण में सहायक है। ध्यान देना, लगभग 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सुसुप्तावस्था को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा? यही वो हार्मोन है जो कलियों की वृद्धि करवाता है, पौधों की वृद्धि करवाता है, पौधों को हरा भरा करता है, डोरमेंट स्टेज यानी सुसुप्तावस्था को तोड़कर अंकुरण में सहायक है। और फिर देखिए, बीज रहित फल, जैसे हम कहते हैं अनिषेक फल जो होते हैं, जैसे आप कह सकते हो अंगूर, या कह सकते हो केला, या शहतूत, ये सब ऐसे फल हैं, यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। यानी यह ऐसा हार्मोन है जो बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। एक होता है दोस्तों बोल्टिंग इफेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, यह बोल्टिंग इफेक्ट को दोस्तों सक्रिय करता है। अब आप सोचेंगे बोल्टिंग इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है, बोल्टिंग इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बौने पौधे क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। जो पौधे छोटे होते हैं, जैसे चुकंदर है, पालक है, जो बौने पौधे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, और जो एक वर्षीय पौधे होते हैं, वो जो 2 वर्षीय पौधे होते हैं वो 1 वर्षीय हो जाते हैं। ध्यान देना, इसको हम कहते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। अगर क्वेश्चन आता है कि बोल्टिंग इफेक्ट के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपका जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। अब जो हमारा अगला हार्मोन है दोस्तों, वह है ऑक्सिन। अगर देखिए हम बात करते हैं ऑक्सिन की, तो पौधों में खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन है। और ध्यान देना, ऑक्सिन की खोज कौन किया है, तो चार्ल्स डार्विन ने की है। यानी इसे हम पौधों में खोजा गया पहला हार्मोन कह सकते हैं। और इस हार्मोन की खोज दोस्तों किसने की है, चार्ल्स डार्विन ने की है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि यह हार्मोन कहां रहता है और हार्मोन यह क्या करता है, तो आप देखिए, आपको बस एक पॉइंट समझना पड़ेगा। अभी आप ये बताओ कि पौधों में जो मुख्य वृद्धि और विकास होता है, पौधों का विकास यानी पौधों की जो वृद्धि होती है वो सबसे अधिक कहां से होती है? फटाफट इस बात का आप आंसर दीजिए कि पौधों की जो वृद्धि होती है वो किस स्थान से अधिक होती है। देखिए, अगर हम पौधों की वृद्धि की बात करें तो पौधों में यह शीर्ष भाग जिसको कहते हैं क्राउन, यह शीर्ष भाग ऐसा है जो सबसे मुलायम होता है, और पौधों की जो प्रमुख वृद्धि होती है वो शीर्ष भाग से ही होती है। ध्यान देना, जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन पौधे के इन्हीं शीर्ष भागों में उपस्थित रह करके पौधे के शीर्ष भागों की वृद्धि करता है और जड़ों की वृद्धि को अवरुद्ध करता है। जड़ की वृद्धि को कम करेगा और शीर्ष भाग की वृद्धि को बढ़ाएगा, पौधे के तने को चौड़ा करता है, यही हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन। जैसा कि आपने देखा पॉइंट्स, अभी ऑक्सिन के बारे में आगे लिखा गया है। तो देखिए, प्रथम पादप हार्मोन है, खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता इसके चार्ल्स डार्विन साहब हैं, और पौधे में शीर्ष भाग की वृद्धि करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है। पौधों में क्या होता है, एक होती है स्टेज जिसको हम कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज। तो दोस्तों ध्यान देना, ये फ्लावरिंग स्टेज में एक्टिव होता है, पुष्पन जो होता है फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रेरित करता है। कायिक जनन, आप सबके अंदर ये सवाल आया होगा कि आखिर कायिक जनन क्या होता है। ध्यान देना, यह भी क्या है, जनन का एक प्रकार है। देखिए, होता यह है कि गुलाब संबंधी कुछ पौधों में दोस्तों क्या होता है, हम कलम करते हैं, यानी कि कलम एक प्रोसेस है, उस कलम के द्वारा क्या होता है, पौधों को लगाया जाता है, प्लांटिंग होती है। तो कलम वाले प्रोसेस में ध्यान देना, कलम जो तरीका होता है कलम करना, उसको हम कहते हैं कायिक जनन। जैसे गुलाब वगैरह में, तो यह कायिक जनन में बहुत सहायक है ना, जब 2 पौधों को काट करके जोड़ते हैं उसको कलम करना कहते हैं, ऐसा गुलाब में प्रायः अधिकतम होता है, तो इसको हम कायिक जनन कहते हैं। इस कायिक जनन वाली प्रक्रिया में यह बहुत सक्रिय हार्मोन है। फिर देखिए दोस्तों, ये ऐसा हार्मोन है जो मक्का और गेहूं में खरपतवार नाशी है, यानी मक्का और गेहूं में यह खरपतवार नाशी का भी कार्य करता है।
अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो बहुत प्रकार का होता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, ये सभी इसके प्रकार हैं या PAA है, फिनाफ्थलीन एसिटिक एसिड या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या BAA ब्यूटारिक एसिटिक एसिड, तो इसके बहुत प्रकार होते हैं, इस बात का ध्यान देना आप लोग, ये ऑक्सिन हार्मोन है। आगे बढ़ेंगे अगले हार्मोन की ओर दोस्तों, अगला हार्मोन कौन सा है, ट्राउमैटिन हार्मोन। सोचिए आप सभी लोग, हम ट्राउमैटिन हार्मोन के बारे में बात करने से पहले कुछ सोचते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम तुरंत कहां भागते हैं, डॉक्टर के पास। सोचिए, तुरंत भागते हैं मेडिकल स्टोर पर, वहां से दवा लेते हैं, दवा खाते हैं, हमको जल्दी से आराम हो जाता है। लेकिन ये पौधा है, ये बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता। अगर क्या हो जाए कि पौधे के किसी भाग में कुछ नुकसान पहुंच जाए, तो आप हमें ये बताएं ये पौधा किस डॉक्टर के पास जाएगा और किस डॉक्टर के पास जाकर के कौन दवाई लाएगा। सोचिए, कभी कभी क्या होता है, कैसे मान लीजिए ये पौधा वृद्धि और विकास कर रहा है, ये पौधा वृद्धि और विकास कर रहा है और हमने देखा कि इसी स्टेज में एक बकरी आती है और बकरी ने क्या किया, पौधे का शीर्ष भाग उड़ा दिया, ये भाग उड़ गया, तो क्या पौधा सूख जाता है? नहीं, बल्कि सूखता नहीं है, हम देखते हैं कि इस पौधे के शीर्ष भाग से बहुत सारी पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाती है। कैसे मुमकिन हुआ? हम क्या करते हैं, कभी कभी पौधे की छाल को छील देते हैं। आज मान लिया हमने पौधे की इस छाल को छील दिया, लेकिन जब हम 10 दिन के बाद पहुंचते हैं, 20 दिन के बाद पहुंचते हैं उस पौधे के पास, तो देखते हैं क्या होता है, उसका घाव धीरे धीरे भर गया है, किसी बकरी ने खा लिया इसके शीर्ष को। हम देखते हैं 10-12 दिन के बाद बगल से पत्तियां निकलती है। ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? यह मुमकिन है डॉक्टर हार्मोन के कारण, और पौधों के अंदर एक डॉक्टर हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं ट्राउमैटिन। और ध्यान रहे दोस्तों, ट्राउमैटिन पौधों के कटे फटे और क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करता है। फिर देखिए अगला हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन हार्मोन। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अब तक 7 बार प्रश्न आ चुका है SSC में। दोस्तों ऑक्सिन का एक कार्य और होता है, सेल डिविजन करवाना, कोशिका विभाजन करवाना, लेकिन कभी भी ऑक्सिन अकेले कोशिका विभाजन नहीं करता है, बल्कि दोस्तों साइटोकाइनिन साथ मिलकर कार्य करता है। देखिए साइटोकाइनिन एकमात्र क्षारी प्रकृति का हार्मोन है, यह क्षारी प्रकृति का होता है और इसका जो निर्माण वो जड़ों में होता है, जड़ों में बन जाता है, और यह ऑक्सिन के साथ मिलकर के कोशिका विभाजन करता है। और कोशिका विभाजन में साथ साथ देखिए जो टिश्यू है, जिसको हम बोलते हैं ऊतक, टिश्यू और सेल में जो डिफरेंट होता है वो साइटोकाइनिन ही करता है, और साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर के कोशिका विभाजन करवाता है, कोशिका और ऊतक में जो अंतर होता है वो साइटोकाइनिन करवाता है। और सबसे बड़ी बात, जो लिटरल बर्ड्स होती हैं, जो बगल में कलिकाएं, माने तना कोई है और इसके बगल में दोस्तों क्या होता है, कलिकाएं ऐसे निकली होती हैं, जो कलिकाएं होती हैं इन कलिकाओं की वृद्धि कौन करता है, यही साइटोकाइनिन करता है। और सबसे बड़ी बात, यह भी अंकुरण में सहायक हार्मोन है और यह भी पौधों को हरा भरा करता है, तो साइटोकाइन। इसके बाद देखिए एक प्लांट हार्मोन और है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फ्लोरोजिन। वे हार्मोन जो फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल एक्टिव होता है, और सबसे बड़ी बात ये हार्मोन कहां होता है, बिल्कुल पत्तियों में होता है। कहां होता दोस्तों, ये बिल्कुल पत्तियों में होता है और पत्तियों में रहकर के फूल खिलाने वाला प्रमुख हार्मोन है। बस आपको याद रहे एजी आटा साफ है, तो आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। चलिए तो दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे देखिए एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, जो पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे कोई भी दोस्तों पौधा होता है वह भोजन कैसे बनाता है,
कोई भी प्लांट अगर होता है तो वह भोजन कैसे बनाता है, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पत्तियों में क्या होता है क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह भी अजैविक घटक है, यह भी अजैविक घटक है। क्लोरोफिल भी अजैविक है और जल भी क्या है, अजैविक है। तो पौधों को इन अजैविक घटकों के साथ साथ अपने भोजन के निर्माण तथा समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसी को हम शामिल करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन में। अगर हम बात करें खनिजों की तो पौधों को कुल मिलाकर के 17 खनिज पदार्थों की सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इन 17 में कुछ बहुत जरूरी हैं, कुछ कम मात्रा में आवश्यक हैं, कुछ क्रिटिकल हैं, कुछ एसेंशियल हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा पोषक पदार्थ है जिसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। सब बताऊंगा बहुत आराम से और ट्रिकी बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो ध्यान देना, पौधों के पोषण के लिए, पौधों की जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए कुल 17 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है और इनको हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला होता है दीर्घमात्रिक, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी मात्रा, जिनकी आवश्यकता पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है, लगभग 10 मोल के आसपास। तो दोस्तों पहला है दीर्घमात्रिक, और दीर्घमात्रिक कुल कितना होता है, 9 होता है। दूसरा है लघुमात्रिक, इनकी आवश्यकता पौधों को अल्प मात्रा में होती है। और उसके बाद इसी में एक होता है एसेंशियल न्यूट्रिशन। दोस्तों अगर एसेंशियल की बात करें तो देखिए CHON यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एसेंशियल है। अगर बात करें क्रिटिकल की तो आपने सुना होगा NPK के बारे में, कुछ मिले ना मिले पर ये जरूर मिले, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये NPK है, यानी कुछ मिले ना मिले पर ये जरूर मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं दीर्घमात्रिक कौन कौन से हैं, लघुमात्रिक कौन कौन से हैं और कितनी इनकी आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं दीर्घमात्रिक तत्वों की, तो मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और यह ट्रिक कभी आप जीवन में भूल नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें दीर्घमात्रिक तत्वों की, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता 20 मोल के ऊपर होती है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस एक ट्रिक आपको याद करनी है कि चांस पाके मांगे कार। मान लीजिए कोई लड़का है, उसका नाम क्या है, मनमोहन। उसका नाम क्या दोस्तों, मनमोहन है। कोई लड़का है उसका नाम क्या है, मनमोहन। और मनमोहन क्या करता है, मनमोहन चांस पाके मांगे कार, वो कार मांगता है मनमोहन, ठीक है ना, हमसे। तो देखिए चांस दोस्तों क्या हो जाएगा, CHON ये हो गया चांस, पाके यानी कि पी और के क्या हो गया, पाके, मांगे मतलब MG, मांगे मैग्नीशियम, और कार मतलब क्या हो गया, सी। तो सी से दोस्तों कार्बन, और एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, और एस से सल्फर, पी से फास्फोरस, और के से पोटेशियम, MG से मैग्नीशियम, सी से क्या हो गया, कैल्शियम। ये 9 ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को दीर्घ मात्रा में होती है, इस बात का आप ध्यान देंगे। कुछ नहीं करना है, चांस पाके मांगे कार, यानी कौन कार मांग रहा है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है उसका नाम मनमोहन है, तो आपसे क्या करता है, चांस पाके मांगे कार, बस आपको यही समझना है, कभी भूल नहीं पाओगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था दीर्घमात्रिक, जिनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। फिर देखें आप सभी लोग लघुमात्रिक है, तो आपने क्या बोला मनमोहन से, जब मनमोहन ने चांस पाके आपसे कार मांगी तो आपने क्या बोला मनमोहन से, देखिए ये लघुमात्रिक तत्व है, इनकी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी कि दीर्घमात्रिक से थोड़ा सा कम आवश्यक होते हैं, तो क्या बोलेंगे, फेकू मनमोहन जाबे निकल। तो आप दोस्त को क्या बोलेंगे, फेकू मनमोहन जाबे निकल। तो देखिए फे मतलब फेरस, कू से
कॉपर से यू सी यू रहेगा। एम एन मतलब मनमोहन, एम ओ मतलब मॉलिब्डेनम, तो एम एन से दोस्तों क्या हो गया फेरस कॉपर मैग्नीज, एम एन से मैग्नीज और एम ओ से क्या हो गया मॉलिब्डेनम, यानी जाबे मनमोहन यानी कि फेकू मनमोहन जा, तो जेड एन जा हो गया, बे से मतलब बोरान, ये बी हो गया, जाबे निकल, नी से क्या हो गया निकिल और कल से क्लोरीन, दोस्तों ये कौन सा तत्व है, यह है लघु मात्रिक तत्व, फेकू मनमोहन जाबे निकल। फिर देखिए क्रिटिकल की अगर हम बात करें दोस्तों तो एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी आवश्यकता सबसे अधिक मात्रा में होती है, अगर कुछ मिले ना मिले पर ये बहुत जरूरी होते हैं। फिर देखिए एसेंशियल यानी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पौधों में आधे काम यही करते हैं, आधे काम यही करते हैं, चाहे श्वसन क्रिया हो फोटोसिंथेसिस हो या दोस्तों जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं यही सब कर लेते हैं। फिर देखिए पुष्पन में देरी यानी कि फ्लावरिंग में जब देरी होती है तो फ्लावरिंग में देरी कौन करता है सनम, या आप याद कर लेना श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों, तो सीरीज क्या हो गया एस हो गया और न से यहां क्या दोस्तों एन ए हो गया, क्या हो गया एन ए हो गया और यहां क्या हो गया एम ओ हो गया, तो चाहे आप लिख लेंगे सनम सनम या श्री एस नरेंद्र एन ए मोदी यानी कि सल्फर सोडियम और मॉलिब्डेनम, ठीक दोस्तों सल्फर सोडियम, हालांकि सोडियम आवश्यक नहीं होता है तो ध्यान देना बस केवल यही रहेगा आपका, यानी कि सल्फर नाइट्रोजन और मॉलिब्डेनम श्री नरेंद्र मोदी, या इसको सनम बोल दीजिएगा, तो सल्फर नाइट्रोजन और मॉलिब्डेनम ये पुष्प में देरी करते हैं। अब ऐसे कौन से पोषक पदार्थ हैं जिससे हरिमाहीनता होती है यानी पौधों की हरियाली चली जाती है पौधों में हरा रंग नहीं होता है, वह कौन से पोषक पदार्थ हैं जिससे पौधे हरे रंग के नहीं होते, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ध्यान देना सॉरी फिर कल मैंने मंजन नहीं किया, तो सॉरी से एस और एस से क्या हो गया सल्फर और फी से फेरस यानी एफी, कल दोस्तों क्या हो गया कल से पोटेशियम हो गया, ठीक है के हो जाएगा यहां पर, और मैंने यानी कि मैग्नीशियम मंजन यानी दोस्तों जन तो जेड एन नहीं किया तो नाइट्रोजन और किया दोस्तों क्या हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ध्यान देना पोटेशियम यहां पे दो जगह लिखा हुआ है, इसको आप एक को आप साइलेंट कर सकते हो, तो सल्फर फेरस पोटेशियम मैग्नीज जिंक और नाइट्रोजन इन सभी की कमी से या तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों में हरिमाहीनता होती है। जी हां दोस्तों ये सभी पौधों के प्रमुख खनिज पदार्थ थे जिनकी आवश्यकता पौधों को अल्प मात्रा में या दीर्घ मात्रा में होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हां दोस्तों अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्या करना है स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप संपर्क करेंगे और आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।